विवेकानंद गुप्ता ने बताया है कि उन्हें एक चश्मदीद ने जानकारी दी है कि सुशांत 13 जून की देर रात और 14 जून की सुबह होने से पहले एक पार्टी से आए हुए थे और रिया को छोड़ने के लिए उसके घर तक गए थे। उनका कहना है कि रिया और सुशांत दोनों रात को पार्टी में देर रात तक साथ में थे। बीजेपी के नेता कहा है कि सुशांत को मारा गया है, वो बिल्कुल ठीक था। चश्मदीद ने मुझे खुद बताया है, उसने 14 की सुबह 2 से 2:30 के बीच सुशांत को देखा था जब वो रिया चक्रवर्ती को घर तक छोड़ने गए थे। इसी के साथ उन्होंने रिया चक्रवर्ती के दावे को भी झूठ बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उसने सुशांत को 8 जून को ही हमेशा के लिए छोड़ दिया था। बीजेपी नेता ने आगे कहा है कि मैं और चश्मदीद सीबीआई के सामने जाएंगे और अगर हमें बुलाया गया तो साथ ही हम सब कुछ बताएंगे, जिससे इस केस में थोड़ा सा पुशअप मिलेगा। वहीं इस मामले पर शिवसेना के एक मंत्री नेता ने भी ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 13 जून को एक पार्टी हुई थी जिसमें कौन कौन शामिल था, इसकी पूरी जानकारी उनके पास है। बीजेपी नेता विवेकानंद गुप्ता के खुलासे ने हर किसी को चौंका दिया है। साथ ही इस बयान के बाद सुशांत के फैंस का गुस्सा और भी बढ़ गया है रिया चक्रवर्ती के प्रति। जी हाँ दोस्तों, फैंस अब और रिया को ताने मार रहे हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।